हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका राहुल सोनी लेके आया हूँ नई वीडियो। तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने डाली थी एक वीडियो पीछे जो थी गोल्ड पॉलिश से रिलेटेड। हाँ, तो उस पर इतने सारे कमेंट आए हुए थे, इतने सारे कॉल आए मेरे पास कि भैया यार चटका पाउडर कैसे बनाया हमें भी बताओ और वीडियो डालो जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं लेके आया हूँ आज वीडियो। हाँ, तो चटका पाउडर कैसे बनाएं, तो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक और टिल वॉचिंग अनटिल द एंड। हाँ फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करेंगे हम चटका पाउडर कैसे बनाना है, क्या क्या मटेरियल्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें नीडेड होगी और बहुत चीप प्राइस होगी। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस बिल्कुल सस्ता और सुंदर और टिकाऊ। हाँ फ्रेंड्स, ये तो ऐसे ही जो शॉप वाले बोलते हैं, बाकी बहुत अच्छा प्रोसेस है, हल्का और बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे वीडियो में और देखिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे बनाना चटका पाउडर। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें जो चटका पाउडर बनाना है उसके लिए नीडेड है सबसे पहले कलमी सोरा। हाँ, तो ये है हमारे पास कलमी सोरा। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेज और इसका जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है पोटेशियम नाइट्राइड। हाँ फ्रेंड्स, तो पोटेशियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं KNO3। हाँ फ्रेंड्स, तो इससे क्या यूज़ है कि जैसे मेरे को यूज़ तो नहीं बताने चाहिए आपको, फिर भी मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि जो मिसाइल्स वगैरह बनती है या फिर परमाणु विस्फोटक होते हैं या फिर जो भी कुछ उपयोग जो उद्योग हैं उनके अंदर लिया जाता है इसका उपयोग। बाकी ये बताना गैर कानूनी है, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या क्या प्रोसेस इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है कलमी सोरे के यूजेस, तो आप देख सकते हो कि जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो, मैं नहीं बताने वाला, मैं अपने ज्वेलरी से रिलेटेड जो इसका वह यूज़ है वो बताऊँगा सारा। हाँ फ्रेंड्स, तो ये है कलमी सोरा पोटेशियम नाइट्राइड। हाँ, इसको जो आपको नाइट्रोजन देखा ना आपने, वो ऑलवेज गैस की फॉर्म में होता है। अगर आपको नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में देखना है ना, तो कलमी सोरे को देख लेना। अभी आपको दिखनी होगी, ऊपर वाले कैमरे से दिखाऊंगा मैं। तो नाइट्रोजन जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो है कलमी सोरा फॉर्म। हाँ, तो इसको हमें यूज़ लेना है। इसका यूजेज क्या है वो बाद में देखेंगे। कलमी सोरा हमने लिया है 300 ग्राम। इसके मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कलमी सोरा है ये 300 ग्राम लिया हमने। अब लेते हैं हम नौसाधर। हाँ फ्रेंड्स, तो ये है नौसाधर की भट्टी। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टलीय है, और नौसाधर को हम बोलते हैं अमोनियम नीरे, NH4Cl। तो फ्रेंड्स, ये एक वाइट क्रिस्टलीय चीज़ है जो कि एक नौसाधर की भट्टी आती है। इसका फ्रेंड्स उपयोग है कि जो चमड़ा या फिर बैटरी के निर्माण में ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाती है, और हमारे लिए है पॉलिश करने पे हमारे को एक रियल कलर देता है, उभर के कलर आता है। जैसे कि सोना है, तो आपको आपने देखा होगा कभी उसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं हम सोने पे, तो उसका रियल कलर आ जाता है। देखो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ में भी चेंज आया होगा क्योंकि इसकी डस्ट मेरे नाक में चली गई। तो फ्रेंड्स, हाँ, तो इसका उपयोग हम जैसे ऊपर से लगाते हैं ना सोने पे, डालते हैं गर्म करके, तो फिर थोड़ा सा कलर आता है। हाँ, तो इसी का उपयोग हम लेंगे हमारे चटका पाउडर में। तो हमने नौसाधर लिया है 300 ग्राम। तो अगेंस्ट हमारे पास दो भट्टी है नौसाधर की, 300 ग्राम हुई थी, ये होगी 300 ग्राम नौसाधर। और फिर हमें लेना है नमक, और नमक का मेजरमेंट बाद में बताऊंगा। अभी मेरे पास है नीला तोता। तो फ्रेंड्स, ये है नीला तोता, इसको बोलते हैं हम जो है कि है कॉपर सल्फेट। फ्रेंड्स, ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हमें उतना ही लेना है। अगर हमारे मेटल में कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, तो सल्फेट का कॉपर सल्फेट की मात्रा बहुत कम कर दें, मतलब कि हाफ कर दें। हमें इसमें लेना है कॉपर सल्फेट ऑलमोस्टली 120 ग्राम, 120 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है। तो हमने लिए 3 आइटम्स। अब इनको हम चूरन बनाएंगे, हमें पीसेंगे सारा कुछ करके मेटल, और फिर उसका उपयोग करेंगे। और मैं कुछ बताता हूँ आपको, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4, इसका रासायनिक नाम है, और इसको वैसे बोलते हैं नीला तोता। बेसिकली हमारे में असल में नीला तोता बोलते हैं, और इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और SO4 CuSO4 इसका रासायनिक नाम है। और इसके बारे में कुछ जानना है आपको PDF आता है तो वो देख सकते हो आप गूगल पे। और बाकी अब फ्रेंड्स मैं बताऊँ आपको, इससे पशुओं की दवा वगैरह ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें बनती है। बाकी हमारे यूज़ में इसका क्या है वो लेंगे हम नीला तोता के यूज़ में। जो नीला तोता है इसको हम लेंगे हम जो कि हमारे बनाएंगे चटका पाउडर पॉलिश के लिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की, क्या क्या मेजरमेंट से क्या क्या लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है हमारा कलमी सोरा पोटेशियम नाइट्राइड। हाँ फ्रेंड्स, तो पोटेशियम नाइट्राइड हमें लेना है 300 ग्राम, और फिर लेना है हमारे को जो है नौसाधर, ये भी हमारे को 300 ग्राम लेना है। दोनों इक्वल लेते हैं, 300 ग्राम और 300 ग्राम दोनों 300 ग्राम हो गए। और फिर जो हमारा नमक होता है, नमक फ्रेंड्स हम इसलिए यूज़ लेंगे
कि जिसमें जैसे हमारे को हमने किसी चीज़ को गर्म किया है तो उसमें थोड़ी वाइटनेस आ जाती है, जैसे हमारे जो मेटल है उसको तपाया तो उसमें वापस हम उजाल करते ना तो उसमें थोड़ी एक वाइटनेस आ जाती है। उस वाइटनेस को हटा के रियलनेस लानी या फिर रियल कलर लाना है तो उसके लिए हम नमक का यूज लेते हैं। नमक ऐसा यूज लेना फ्रेंड उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 200 ग्राम ऑलमोस्टली 200 ग्राम हमारे को नमक लेना है, और जो हमारा नीला तोता है उसको हमने लेना है 120 ग्राम 120 ग्राम हीरा तोता लेना है। और मैंने आपको पहले बताया था इसका इंट्रोडक्शन में, अगर आपके मेटल में कॉपर की मात्रा ज़्यादा है तो नीला तोता को हाफ कर दीजिए, ऑलमोस्ट 60 ग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम टंस की। मैं जो कॉल आए थे जो कमेंट्स है उसमें ऐसा भी कुछ किसी ने पूछा था कि हमारा टांगा या चादर जैसे कि 60% का है या 70% है 90% है 90 अबव है तो उन सभी के लिए अलग अलग है। तो मैं बताऊँ आपको 70 से 90 के बीच में ये मेजरमेंट ले सकते हो आप, ठीक है। अगर 90 प्लस है 90-95% में हमारा मेटल है हमारे को नीला तोता ओनली 40 ग्राम ही डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दिया तो उसमें रेडनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो फ्रेंड्स 40 ग्राम तो गोलमेज डाल सकते हैं। और बाकी बात करें हम कि अगर 60 से कम है तो थोड़ा सा नीला सोता बढ़ा दीजिए, और इस नीला सोता का मेजरमेंट ऊपर नीचे करना है, बाकी ऑलमोस्ट यही है। हाँ, तो 300 ग्राम लेना हमारे को कलमी सुरा, 300 ग्राम नौसादर और 200 ग्राम नमक, और 120 ग्राम हमारे को लेना है नीला सोता। तो इन सभी का रासायनिक नाम, इनका इंट्रोडक्शन, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और अब फ्रेंड्स हम इनको सारे को पीसते हैं, और एक लुक बता देता हूँ आपको कैसा क्या लगता है इन्हें, और फिर उसके बाद पीस के हम इसका पाउडर बनाएंगे और फिर चिटका पाउडर यूज़ करेंगे। हाँ तो दोस्तों, फाइनली हमारा चिटका पाउडर तैयार हो चुका है, और इसका यूज़ मैंने एक पिछली वाली वीडियो में डाल दी है गोल्ड पॉलिश वाली में, उसके जाके देख लीजिए चिटका पाउडर का यूज़ कैसे करें। बाकी हमने चिटका पाउडर कैसे बनाना था पूरा तैयार कर लिया है, चिटका पाउडर देख सकते हो कलर वगैरह और कितना प्यारा लग रहा है, हमने सारा तैयार कर लिया पीस के पूरा। यूज़ तो आपने देख लिया होगा, अगर वीडियो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी आपने चिटका पाउडर का यूज़ कैसे करें तो आप जल्दी से जाइए और मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें हमने डाला है कि गोल्ड पॉलिश कैसे करें, और मैंने एक वीडियो ऐसी भी बनाई है जिसमें गोल्ड रिपेयरिंग के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए और पिछली वीडियो को देखें, इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।